हरियाणा की सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी पहले ही अदालती पत्रों में फंसी रही। वहीं आखिर में जब एग्जाम हुआ तो एक नया विवाद खड़ा हो गया कि रविवार को आयोजित ग्रुप 57 की परीक्षा के 41 सवाल रिपीट कर दिए गए। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक ही पेपर पे दो प्रश्न भी दोहराए हैं। ऐसे में परीक्षा को रद्द करने की मांग भी उठने लगी है। इन्हीं सभी विवादों को देखते हुए परीक्षा अभ्यर्थी भी परेशान है। अब आम आदमी पार्टी के यूथ विंग CYSS यानी कि छात्र युवा संघर्ष समिति ने आज हरियाणा असेंबली के बाहर CET के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया। पुलिस और छात्र संघ के दरमियान खासी बहसबाजी के बाद उन्हें बसों में भरकर ले जाया गया। इस दौरान छात्र संघ के सदस्य नारेबाजी भी करते रहे। उन्होंने खट्टर सरकार एवं बीजेपी सरकार के खिलाफ अपने रोष को प्रकट किया है। महिला पुलिस फोर्स और पुलिस के अन्य सदस्यों ने छात्रों को गिरफ्तार किया है। आइए नजर डालते हैं इस घटना की तरफ। लगातार पूरे प्रदेश के युवा परेशान हैं और विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। पिछले लंबे समय से इस ज्वलंत मुद्दे पे पूरे प्रदेश के युवा जो हैं, पूरे प्रदेश के युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार चुप्पी साधे हुए है, अपनों को करीबियों को जगह देने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन चलेगा नहीं। मोदी सरकार क्वालिफाइड बच्चों को पेपर में बैठने दिया जाए, सीटी को दोबारा करवाओ। रातों रात हाई कोर्ट के फैसले को बदल के डबल बेंच से हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था सीटी के पेपर पे। रातों रात खट्टर सरकार मुर्दाबाद। चलो जी आराम से आराम। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।